तो इस गाड़ी में भी जितना फ्यूल है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, सो फ्यूलिंग कर लेते हैं यहाँ पर 1 लीटर एग्जिट। मैं 80 की स्पीड में कॉन्स्टेंट राइड कर रहा हूँ, तो एज कम्पेयर टू SP हाई स्पीड माइलेज टेस्ट में रेडर कैसा परफॉर्म करती है, ये रिजल्ट जानने के लिए वीडियो स्किप मत करना यार। मैंने जिस हिसाब से इस बाइक को एग्रेसिवली राइड कराना, राइडर ने सच में दिल जीत लिया। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हमारे चैनल पर मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो इतने सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे, DM कर रहे थे कि यार रेडर पर 1 लीटर माइलेज टेस्ट कब आएगा, फाइनली आज वो वीडियो आ चुकी है गाइज। आज हम करने वाले हैं इसका 1 लीटर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट। 1 लीटर यहाँ पर मेजर करके लाया हूँ एंड पता नहीं क्या हो रहा है यार, मई का महीना है और यहाँ पर बारिश गिर रही है, और जब भी मैं शूट कर रहा हूँ बारिश आती है। तो कुछ नहीं, आज आप राइड भी एंजॉय करना, सारी बातें करेंगे कि यार रेडर क्या कुछ परफॉर्मेंस देती है, बिकॉज SP125 पर 1 लीटर माइलेज टेस्ट हमने करा था जिसमें 44 का माइलेज निकाल कर दिया था, एंड उसी की राइवल है रेडर। तो रेडर को हाई स्पीड पर देखेंगे क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है। 70-85 बीच में स्पीड रहेगी, ब्लैक कलर में है रेडर 2023 एडिशन, अराउंड 3 महीने हुए बाइक को परचेस करे हुए, सारा जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होने वाला है। तो गाइस यार देखो, आपके डिमांड पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस लोकेशन से दूर आ गए हैं, बिकॉज जब भी 1 लीटर माइलेज टेस्ट करते हैं टैंक के अंदर का पेट्रोल ख़त्म करना पड़ता है। तो अभी बारिश का मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, उस हाईवे पर चले गए वहाँ पानी गिर रहा था, पीछे चले गए पीछे पानी गिर रहा था, तो यहाँ पर नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो यार इस गाड़ी में भी जितना फ्यूल है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, देन हमारा व्लॉग स्टार्ट होगा। सो अभी आपको मैं थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स में दिखाता रहूँगा। सबसे पहले तो यार इसका फ्यूल ख़त्म कर लेते हैं, जैसे ही गाड़ी बंद पड़ेगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज वैसे ज़्यादा फ्यूल नहीं है गाड़ी में, बट जितना भी अभी ख़त्म तो करना पड़ेगा हमें। देखो ख़त्म होने आ गया है, बट जितनी अभी चलेगी ना पूरा ख़त्म करेंगे। आप देख लो झटके तो पूरे लेने लग गए यहाँ पे। देर से बंद नहीं हो रही गाइस, मतलब अच्छा खासा माइलेज है इतने पेट्रोल में चल रही है, तो अब हाई स्पीड में माइलेज देना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका 45 से 55 के बीच में, 45 तो नहीं 50 तो दे देना चाहिए, बट यार हाई स्पीड पे तो सारी गाड़ियों के रिजल्ट पलट जाते हैं। लेट्स सी क्या कुछ देती है, अभी तो झटके ले ही रही है और 15-20 किलोमीटर ऐसे ही घूम चुके हैं हम। फाइनली अब जाकर यहाँ पर फ्यूल हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब मैं बिल्कुल भी छोड़ता नहीं हूँ इसमें जब भी 1 लीटर करते हैं, बिकॉज हमें एक्चुअल रिजल्ट दिखाने रहते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करके बता देता हूँ, ये देखो भाई सब पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ओडोमीटर पर आ रहा है 7571, बिकॉज गाड़ी डेली अप डाउन होती है इसलिए इतनी ज़्यादा रनिंग हो चुकी है। ट्रिप ए देख सकते हो, इसको हम कर लेते हैं प्रेस करके 0, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ट्रिप बी को भी कर लेते हैं यहाँ पर 0। ट्रिप एफ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, माइलेज को भी सेट ही कर लेते हैं, 58 है यहाँ पर, ये माइलेज को भी कर लिया हमने 0, और ट्रिप एफ भी दिखाएगा बिकॉज रिजर्व पे हमेशा ट्रिप एफ पे चलती है, तो ट्रिप ए हमने 0 कर दी है। सो फ्यूलिंग कर लेते हैं यहाँ पर 1 लीटर एग्जिट कंप्लीट। सो कंप्लीट 1 लीटर डाल दिया है, बॉटल को मत फेंकना, रख ले बैग में, यहाँ पर कचरा नहीं करना है। फाइनली अब चलते हैं, और देखो मुझे जहाँ तक लगता है फ्यूल इंजेक्टर है ना, फ्यूल इंजेक्टर का सारा खाली कर दिया था, बट अब एक सेल्फ में हो जानी चाहिए बिकॉज रेडर में किक मिलती नहीं है यहाँ पर। ये देखो क्या बात है यार, मतलब ये मेरे को हमेशा समझ नहीं आता है, फ्यूल इंजेक्टर के कारण अगर टंकी खाली भी है ना, आप 1 लीटर डालोगे ये हो जाती है स्टार्ट। सो लेट्स गो, हाई स्पीड माइलेज टेस्ट रहने वाला है गाइस, बहुत मज़ा आएगा। 7000 RPM 8000 RPM तक देखो गियर चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब पूरी गाड़ी भगा ही रहा हूँ आप ये समझ लो, बिकॉज देखो अगर मैं इकोनॉमी पे करूँगा तो मुझे पता है ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही रिजल्ट देगी गाड़ी, मतलब 65 से 70 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जहाँ हाई स्पीड आता है लाइक हम 80 से 85 की स्पीड पर चलाएंगे देखना। ट्रिप एफ पे आ गई है, ट्रिप एफ पे हमने स्टार्ट करा है 90.2, मतलब 90 किलोमीटर से स्टार्ट करा है, अभी 90.3 हो गई है, तो आपको ट्रिप एफ ही देखना पड़ेगी बिकॉज जब भी रिजर्व पे चलती है ना तो TVS की गाड़ियाँ ट्रिप एफ पे ही चलती है। 1 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, 4 किलोमीटर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए, 90 पे स्टार्ट करा था 94 हो चुका है, 80 की स्पीड में कॉन्स्टेंट राइड कर रहा हूँ, गाड़ी तो वैसे 100 भी जाती है, बट अगर मैं 100 ले जाऊँगा तो फिर वो टॉप स्पीड माइलेज टेस्ट हो जाएगा। हाई स्पीड मतलब अगर आप डेली 80-100 किलोमीटर राइड करते हो, 75 से 80 एक मतलब अच्छी हाई स्पीड मानी जाती है 125 cc की बाइक के लिए। 7 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए ना आज, वाकई में यार मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने में, बिकॉज गाड़ी में मिरर्स नहीं है ना, तो यार इतनी कंट्रोल
रोल में लग रही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि विदाउट मिरर चलाना चाहिए, ओनर ने हटा के रखे थे, वो उसकी चॉइस है, बट मैं मेरा बता रहा हूँ मुझे चलाने में आज काफ़ी मज़ा आ रहा है। रेडर लवर्स कौन है या कौन ये बाइक ओन करते हैं, लेने का प्लान कर रहे हैं, सब कमेंट में बताओ यार, कमेंट में अपन इंटरेक्शन करेंगे। और आपको कितना माइलेज दे रही है, हाई स्पीड एज वेल एज इकोनॉमी, ये भी याद से शेयर करना गाइस प्लीज़। 99.9 90 पे स्टार्ट करा था, यहाँ पर जीरो हो चुकी है ट्रिप एफ, मतलब हमने अराउंड 10 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए गाइस। ओडोमीटर आप भले ही या तो पीछे जाके एक बार देख लेना, बट मैं आपको बताते जा रहा हूँ ओरली, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा। सो यहाँ पर हमारे अभी 10 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 15 किलोमीटर्स हमने यहाँ पर राइड कर लिए हैं। एंड राइडर अभी मैं ब्लैक कलर में राइड कर रहा हूँ, आपका कौन सा फेवरेट कलर है एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना। पर्सनली मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है एक तो ब्लैक, देन सेकेंड प्रायोरिटी पे येलो एंड थर्ड पे रेड, आपके कौन सी चॉइसेस है एक बार कमेंट में ज़रूर शेयर करना। कभी भी आपको ऐसी पावर लैग फील नहीं होगा, हाई स्पीड पे चला रहे हो ना तो 125 सीसी के अकॉर्डिंग सफिशियंट आपको ये पावर प्रोवाइड कर देगी, बिकॉज वेट भी ज़्यादा नहीं है। SP 125 से कंपेयर करें ना तो 118 kg का SP 125 का है और इसका है 123 kg का। सो 20 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर लिए, 25 किलोमीटर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए है एंड दूसरे हाईवे पे निकल गए थे। इस बार नया रूट ट्राई करा, लास्ट टाइम SP पे कर लिया था, NS 125 पर हमने टैंक टू टैंक करा था। अब बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड आ रही कि यार NS 125 पर भी एक 1 लीटर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करो, तो जल्दी आने वाला है। और कौन सी बाइक्स पर माइलेज टेस्ट चाहिए मुझे कॉमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। 30 किलोमीटर हमने कम्प्लीट कर लिए, कॉन्स्टेंट 80-85 की स्पीड पर राइड कर रहा हूँ। यहाँ पर 33.5 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। व्यू देखो, लोकेशन देखो यार, कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप मेरे ऑफ रोडिंग ब्लॉग्स देखोगे तो यहाँ पर शंकरगढ़ हिल से जहाँ पर मैं आता हूँ, मतलब मेरी सिटी में आसपास ही इतनी अच्छी अच्छी जगह है ना, तो यार सच में घूमने में इतना मज़ा आ जाता है। और ऐसा बारिश वाला वेदर हो फिर तो पूछो ही मत। अभी इको मोड पे ही तब से राइड कर रहे हैं, पावर मोड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, पावर मोड पे आ गई है। ऐसे टॉप एंड करना हो तो पावर मोड मतलब का है, वैसे तो देखो यार इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से भी मोड पे चला रहे हो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हायर RPM पे खींचनी है तो पावर मोड डाल लो। 40 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए टोटल, 30 और 10 ट्रिप एफ के पुराने, तो 40 किलोमीटर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अभी भी बिल्कुल भी गाड़ी ने झटके नहीं लिए। SP 125 की बात करूँ तो सेम ऐसा ही माइलेज टेस्ट करा था और 44 पे गाड़ी बंद हो गई थी, मतलब 40 के बाद झटके लेने लग गई थी। तो एज कम्पेयर टू SP हाई स्पीड माइलेज टेस्ट में रेडर कैसा परफॉर्म करती है, ये रिजल्ट जानने के लिए वीडियो स्किप मत करना यार, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ तो एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस 45 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, मतलब SP का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने हाई स्पीड में, 80-85 की कॉन्स्टेंट स्पीड पर राइड कर रहा हूँ। SP ने हमें माइलेज दिया था 44.4 या 5 का, और ये अभी 45 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुकी है। हाई स्पीड में अगर 50 दे दे तो फिर तो यार मतलब दिल जीत लेगी ये गाड़ी। अब जाके इसका फ्यूल पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर आके। सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चली है मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, और अगर SP के माइलेज से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा माइलेज दिया है। ट्रिप एफ जैसा कि मैंने बताया 90 पे स्टार्ट करी थी तो यहाँ पर है 48.7, बट अगर आपको मेन किलोमीटर दिखाऊँ तो ट्रिप ए देख सकते हो 49.1, मतलब थोड़ा 200-300 मीटर आगे पीछे हो गया है, बट ये हमने तो आपके सामने ज़ीरो सेट करी थी। 49.1 किलोमीटर यहाँ पर माइलेज दिया है हाई स्पीड, मतलब देखो गाड़ी 50 का माइलेज हाई स्पीड में दे रही है तो आप इकोनॉमी पे तो समझ सकते हो 65-70 इजीली देगी, 70 तक भी ये गाड़ी माइलेज निकाल सकती है। अभी देख लो पूरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, ये देख लो। सो गाइज यार मज़ा आ गया, मतलब सच में मैं बोलूँगा कि यार राइडर ने मैंने जिस हिसाब से इस बाइक को एग्रेसिवली राइड कराना, राइडर ने सच में दिल जीत लिया। गाइज इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।